हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी ने 1,30,000 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें जो आपके 1 लाख जो पद हैं आपके, वो लेवल 1 पोस्ट के हैं, और जो 30,000 जो आपके पद हैं वो टीसी, टीटी और एएसएम के पद हैं। और भी पद हैं, फिलहाल इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपकी योग्यता क्या रहने वाली है और आप इस फॉर्म को कब से फिल कर सकते हैं, और लास्ट डेट क्या रहने वाली है, आपकी उम्र क्या रहने वाली है, और इस फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, आपकी योग्यता क्या रहेगी, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको रेलवे की पूरी तैयारी कराने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। आरआरबी वेबसाइटों पर प्रकाशन की तिथि 23 फरवरी 2019। ऑनलाइन आवेदनों का पंजीकरण की जो प्रारंभिक तिथि है वो 28 फरवरी 2019। आवेदनों को ऑनलाइन पंजीकरण की जो समाप्ति है वो है 31 मार्च 2019। और आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से जो शुल्क जमा करने की तिथि है 5 अप्रैल 2019। एसबीआई चालान के माध्यम से फीस सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 5 अप्रैल 2019। और पोस्ट ऑफिस चालान की बात करते हैं फीस सबमिट करने की, वो भी 5 अप्रैल 2019। आवेदनों को अंतिम रूप से जमा करने की जो लास्ट तिथि है वो है 12/4/2019, यानी 12 अप्रैल 2019। और जो इसकी परीक्षा होगी, प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी होगी, अगस्त सितंबर 2019 में संभावित है। देखिए, ये बोल रहा है कि भर्ती प्रक्रिया के कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं तथा अन्य चरणों की तिथियों की जानकारी समय समय पर इस सूचना के पैरा 20.0 में अनुसूचित रेलवे भर्ती आरआरबी की वेबसाइटों के माध्यम से दी जाएगी। अब देखिए, इसमें ये भी बोल रहा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा पात्र भारतीय नागरिकों और सीईएन के पैरा 4 वर्णित अन्य नागरिकों से भारतीय रेल की विभिन्न जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों में गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों एनटीपीसी अर्थात कनिष्ठ लिपिक, सहट टंकण लेखा लिपिक, सहट टंकण ट्रेन लिपिक, वाणिज्यिक सहट टिकट लिपिक, यातायात सहायक, गुड्स गार्ड्स और वरिष्ठ वाणिज्यिक सहट टिकट लिपिक और वरिष्ठ लिपिक, सहट टंकण कनिष्ठ लेखा सहायक, सहट टंकण वर्ष समयपाल, काउंसिल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। सभी दृष्टिकोण से पूर्ण आवेदन 12 अप्रैल 2019 के 23:59 बजे तक चुने गए रेल भर्ती बोर्डों को ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने चाहिए। तो एक झलक रिक्तियों का विवरण इस प्रकार से रहेगा। इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो है 10+2 यानी इंटर। समकृत परीक्षा की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के लिए 1/7/2019 को जो आपकी आयु रहने वाली है 18 से 30 वर्ष के बीच में आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पद देख लीजिए, कनिष्ठ लिपिक सेट अंकर 7 सीपीसी स्तर, प्रारंभिक वेतन 19,900 से C2, और लेखा लिपिक सेट अंकर 2 19,900 C2। ट्रेन लिपिक की बात करते हैं तो 7 सीपीसी सैलरी 19,900 से और A3, और वाणिज्यिक सेट टिकट लिपिक की बात करते हैं 21,700 से V2। ये तो आपका सेक्शन का हो गया। अगला सेक्शन देखते हैं। तो अगले सेक्शन में आपका खा जाता है विश्वविद्यालय उपाधि समकक्ष स्तर की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 1/7/2019 को 18 से 33 वर्ष के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यातायात सहायक और गुड्स गार्ड्स और वरिष्ठ वाणिज्यिक सहायक टिकट लिपिक, वरिष्ठ लिपिक सहायक टंकक, कनिष्ठ लेखा सहायक सहायक टंकक और वरिष्ठ समयपाल वाणिज्य स्टेशन मास्टर के लिए जो आपकी एज है वो है 18 से 33 वर्ष। वेतन की बात करते हैं तो देख सकते हैं वेतन वेतन इस प्रकार से रहेगा। और नोट में देखते क्या लिखा है, विभिन्न पात्र श्रेणियों के लिए आयु में छूट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, ईबीडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी, भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण इस सीएम में निहित विवरण के अनुसार लागू होगा। परीक्षा का चरण देख लेते हैं। जो परीक्षा के चरण होंगे, दो तो चरणों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी के पश्चात कौशल परीक्षा, स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर आधारित
और अभी क्षमता परीक्षा कनिष्ठ लिपिक सेट अंकण लेखा लिपिक सेट अंकण वरिष्ठ लिपिक सेट अंकण कनिष्ठ लेखा सहायक सेट अंकण वरिष्ठ समयपाल के लिए टंकण कौशल परीक्षा होगी। तत्पश्चात दस्तावेज सत्यापन चिकित्सा परीक्षा होगी। ट्रेन लिपिक वाणिज्य सेट टिक लिपिक गुड्स गार्ड्स वरिष्ठ वाणिज्यिक सेट लिपिक कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए 2 चरणों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीडी के पश्चात दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा होगी। यदि आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यह इसकी वेबसाइट इस वेबसाइट पर जाकर आप इसका पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। आयु सीमा की बात करते हैं तो जो आपकी आयु है ये 1/7/2019 से आपकी एज काउंट की जाएगी और जो आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 30 साल के बीच में यदि आप हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति की जो एज है वो 2/7/1989 से काउंट की जाएगी। और अन पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो 2/7/1986 और अनुसूचित जनजाति के लिए बात करते हैं 2/7/1984 से एज काउंट की जाएगी। सभी समुदाय श्रेणी के लिए 1/7/2001 से एज काउंट की जाएगी। छूट की बात करते हैं तो अन पिछड़ा वर्ग और गैर क्रीमी लेयर NCL की बात करते हैं तो 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति के वालों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार जिन्होंने अनुप्रमाण के पश्चात 6 माह से अधिक सेवा की है उन्हें 30 वर्ष सुरक्षा प्रदान की गई, सेवा 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए वह उम्मीदवार जो 1/1/1980 से 31/12/1989 की अवधि के दौरान बोले जम्मू एवं कश्मीर राज्य का सामान्य निवासी रहा है तो उसके लिए जो छूट है वो इस प्रकार से रहेंगी, देख सकते हैं आप लोग। परीक्षा शुल्क की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होने पर 500 से लागू प्रभार काट कर 400 रुपये की शुल्क राशि वापस की जाएगी। यानी यदि आप परीक्षा देते हैं तो आपके 500 रुपये पड़ेंगे और परीक्षा देने के बाद यदि आप फेल होते हैं या पास होते हैं वो आपके 400 रुपये हैं वो रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति भूतपूर्व सैनिक दिव्यांग व्यक्ति महिलाएं ट्रांसजेंडर अल्पसंख्यक आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये देने हैं। यानी पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा भाग लेने के लागू बैंक काटकर 250 रुपये शुल्क वापस की जाएगी। यानी आपके जो 250 रुपये हैं वो आप परीक्षा देने के बाद आपके जो 250 रुपये हैं वो रिफंड कर दिए जाएंगे। इसमें 100 रुपये काट लिए जाएंगे, 150 रुपये आपके रिफंड कर दिए जाएंगे और 100 रुपये काट लिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए शुल्क आप कैसे सबमिट कर सकते हैं। शुल्क आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग UPI के माध्यम से शुल्क सबमिट कर सकते हैं और शुल्क आप ऑफलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में SBI बैंक चालान के माध्यम से। और दूसरा ऑप्शन आपका ये भी है कि आप किसी भी कंप्यूटरीकृत डाकघर में पोस्ट ऑफिस चालान भुगतान कर सकते हैं। अब देखिए शुल्क भुगतान एवं तिथि अंतिम तिथि एवं समय, ऐसे उम्मीदवार जो दिनांक 31/3/2019 से पंजीकरण किए हैं उन्हें ऑफलाइन भुगतान दिनांक 5 अप्रैल 2019 1 बजे तथा ऑफलाइन भुगतान दिनांक 5/4/2019 इतने बजे तक करने की अनुमति है। भुगतान के पश्चात ऐसे उम्मीदवार दिनांक 12 अप्रैल 2019 इतने बजे तक पहले अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। तो देखिए जो कि प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी ऐसे उम्मीदवार ऑफलाइन भुगतान डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI के मामले में इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि वे परीक्षा शुल्क का वापसी योग हिस्सा 400 रुपये 250 जैसा लागू हो उस खाते से प्राप्त करना चाहते हैं जिस खाते में उन्होंने भुगतान किया है या वो वैकल्पिक रूप से लाभार्थी का खाता प्रदान करते हैं जिन्हें धन वापसी प्राप्त करना चाहते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जिसके संबंध में लाभार्थी का नाम बैंक का नाम खाता संख्या और IFSC कोड प्रदान करना जरूरी है। परीक्षा शुल्क का वापसी योग हिस्सा लागू बैंक की विधिवत कटौती के पश्चात वापस किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने SBI चालान या पोस्ट ऑफिस चालान मोड के माध्यम से भुगतान किया उन लाभार्थी खाते का विवरण अर्थात लाभार्थी का नाम बैंक का नाम खाता संख्या IFSC कोड प्रदान करना चाहिए। जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन फीस सबमिट करेंगे उनके लिए है ये। अब देखिए आपकी जो प्रथम चरण की परीक्षा होगी CBT इसमें आपको कुल 90 मिनट का समय दिया जाएगा। सामान्य जागरूकता से 40 प्रश्न होंगे, गणित से 30 प्रश्न होंगे और सामान्य तर्क बुद्धि और तर्क से 30 क्वेश्चन होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या होने वाली है 100।
स्क्राइब की सहायता से प्राप्त करने वाले पीडब्ल्यू उम्मीदवारों के लिए 1 घंटा 20 मिनट की परीक्षा होगी ये। तो देखिए गणित से क्या क्या टॉपिक टच हो रहा है इसमें, अंक प्रणाली, बोडोमॉस, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय तथा कार्य, समय तथा दूरी, समान तथा चक्रवृद्धि ब्याज, लाभहानि, सामान्य बीज गणित, ज्योमिति, त्रिकोणमिति, प्रारंभिक संख्या इत्यादि। ये आपका गणित का पोर्शन हो गया। इसमें गणित से क्या क्या पूछा जाएगा, अब देखिए रीजनिंग से क्या पूछा जाएगा, अनुरूपता और वर्णानुक्रम, श्रृंखला श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, गणित संख्याएं, समानताएं, अंतर संबंध, विश्लेषण, तर्क युक्ति, वाक्य बिना क्रम में रखना, ज्युलिंग, वन आरेख, पहेली, आंकड़ा पर्याप्त, कथन निष्कर्ष और कथन निर्णय लेना, निर्णय नक्शा, आलोकों की व्याख्या इत्यादि। अब देखिए सामान्य जागरूकता से किस टॉपिक से क्या पूछा जाएगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, खेल और क्रीड़ा, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान, 10वीं सीबीएसई तक भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भारत और विश्व की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति, शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, भारत के सामान्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास सहित अंतरिक्ष परमाणु कार्यक्रम संगठन, भारत और विश्व में बड़े पैमाने पर पर्यावरण और कंप्यूटर अनुप्रयोग, सामान्य शक्तियां, भारत में परिवहन प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां, ध्वजपोत, सरकारी कार्यक्रम और भारत की वनस्पति और जीव, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र इत्यादि। ठीक है, अब देखिए इसमें बोल रहा है कि विभिन्न समुदाय में पात्रता के लिए न्यूनतम प्रतिशत अनारक्षित 40% और अन पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर के लिए 30%, अनुसूचित जाति के लिए 30%, अनुसूचित जनजाति के लिए 25%, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, अनारक्षित रिक्तियों के लिए, दिव्यांग व्यक्ति उपलब्ध न होने की स्थिति, दिव्यांग उम्मीदवार पात्रता के 2% की छूट प्रदान की जाएगी। ये आपकी दूसरी चरण कंप्यूटर की परीक्षा है। इसमें देखिए दूसरे चरण के में आपके क्या क्या पूछा जाएगा, दूसरे चरण की परीक्षा में 90 मिनट का पेपर होगा, सामान्य जागरूकता से 50 क्वेश्चन, गणित से 35 और तर्क शक्ति सामान्य से 35 क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या कुल 120 होगी। और यह है इसकी वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। गुवाहाटी की है, अजमेर की है, इलाहाबाद की ये वेबसाइट, बेंगलुरु की ये वेबसाइट है, और भोपाल की ये वेबसाइट, भुवनेश्वर की ये वेबसाइट है, और बिलासपुर की ये वेबसाइट, चंडीगढ़ की ये वेबसाइट, चेन्नई की ये वेबसाइट, गोरखपुर की ये वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।